रोजा न रखने का वबाल बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के जबड़ों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माह रमजान शरीफ में रोजे नहीं रखते थे। इसलिए दुनिया है, यहाँ तो रोते गाते गिरते पड़ते खुशी गमी में जिंदगी कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन एक दिन आखिरत है, दुनिया खत्म होने वाली है और आखिरत कभी खत्म नहीं होगी। आज अमल कर सकते हैं, इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। जब इस अमल का सिला मिलेगा और अमल न करने पर सजा मिलेगी, तब इंसान पछताएगा कि काश मैंने इसका फायदा उठाकर जिंदगी का कुछ नेकियां इकट्ठा कर ली होती, कुछ अमल कर लिया होता। बल्कि मरने वाले अल्लाह की बारगाह में मिन्नत करते हैं कि मेरे अल्लाह हमें सिर्फ दो रकअत दुनिया में जाकर पढ़ने की इजाजत दे दे। लेकिन इरशाद होता है, बंदे जब हमने तुझे मौका दिया था उस वक्त तो तूने उससे फायदा नहीं उठाया, अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब दोबारा किसी को दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, बहाना मत कीजिए। रोजा रखने वाले को सब्र अल्लाह देता है।